हाई गाइस, फाइनली टेस्टनेट 2023 एग्जाम डेट इज़ आउट, विच इज़ नथिंग बट 25th ऑफ फेब। तो 25th फेब को अपना एग्जाम है। तो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट 40 डेज प्लानिंग एंड 30 डेज वर्कआउट। रफली 40 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेके। सो 30 डेज मेहनत करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, वॉट शुड बी द टाइम टेबल, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो। बेसिकली मैं टाइम टेबल देने वाला हूँ और वो आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास अपना खुद का टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है प्रिपरेशन को लेके, एज़ पर योर कन्वीनियंट, एज़ पर योर टाइम विच यू आर सेविंग फॉर द प्रिपरेशन, तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। सो दोज हू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू एवरीवन, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो एंड दे कैन क्रैक टेस्ट 2023। अभी 40 डेज का जो टाइम बचा हुआ है, इसमें आप कैसे प्रिपेयर करोगे सो दैट आपका एग्जाम क्रैक होगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी पूरा सिलेबस तो नहीं करना, बट हाँ, मेजर चंक्स आपको कवर करने टू टारगेट अराउंड 70 का स्कोर आउट ऑफ 100 स्टेज वन क्लियर करने के लिए, ठीक है। दूसरा टिस क्रैश कोर्स बैच वी हैव लॉन्च एट मेन्यू, दिस इज द लास्ट बैच फॉर द ईयर 2023। तो दोज हू हैव नॉट येट स्टार्टेड और जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन और वॉन्ट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। You can contact our team on the given number to join the batches. और अगर आपकी पढ़ाई करके हो गई है, then obviously mock test. तो test लिखना चालू कर दो। सबका details मैंने discussion में दिया हुआ, test का link, GK का program को लेके, self study program को लेके, okay. So if you have joined the crash course, तो make sure सारे video का lecture का access, mock का access, ebook का access, test series topic test का access, ये सारे access ले लेना and start your preparation. जो मैं आगे बताऊँगा weekly और daily basis पे क्या करना है आपको, ठीक है। सो वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है ना, चक दे इंडिया में 70 मिनट है आपके पास, तो आपके पास भाई 40 डेज है। बढ़िया कंसिडर कर करो चलो कि अपने पास 30 डेज ही है, ठीक है, बाकी का दिन बोनस डेज है प्रिपरेशन को लेकर के। सो डेली बेसिस वाइज इफ़ यू टॉक अबाउट GK प्रिपरेशन, ग्रामर 1 to 2, RC, ये आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। इंग्लिश पे वर्कआउट 10 क्वेश्चन तो RC के आने वाले, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्रामर, बाकी वो कैब एंड वर्बल वाला पार्ट जो आपका है GK के 40 क्वेश्चन, तो ये आपको डेली रखना है। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स ऑल्टरनेट कर लो या डेली बेसिस पे 1 आवर वर्कआउट कर लो। एंड या उसके लिए आपको रिसोर्सेज आपके पास अच्छे होने चाहिए, जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है या तो जो भी आपके पास वीडियो लेक्चर्स या कोर्सेज हैं उससे पढ़ाई चालू कर दो। अगर आपने मेन्यूअल क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है या सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो वीडियो लेक्चर्स, मॉक एज आई मेंशन अर्लियर, ठीक है, और आपका टॉपिक टेस्ट, एंड इसके बाद आपका ई बुक्स, बुक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास पढ़ाई करने के लिए। वीडियो लेक्चर्स में से आपके पास इफ़ यू हैव अ मेन्यू डैशबोर्ड, तो वहाँ से GK का स्टैटिक का हैंडआउट्स एंड वीडियोस स्टार्ट कर दो, एंड करंट अफेयर्स को लेकर के हैंडआउट्स एंड वीडियोस, ठीक है। तो GK पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहो, 30+ भी आ रहा है आउट ऑफ 40, तो डिसेंट स्कोर है, बट GK टेस्ट जो है वो GK वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। मैथ्स का लेवल तो आपका मॉडरेट रहेगा, बहुत टफ नहीं जाएगा, बट GK में अच्छा कर लिया आपने, मैथ्स में प्रैक्टिस कर ली, इंग्लिश आपने ये सब चीज़ों पे वर्कआउट कर लिया, तो स्कोर बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टाइम टेबल। तो ये आपका week 1 का टाइम टेबल है, ठीक है। इसके अंदर लॉजिक सेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, उसको लास्ट के 10 डेज के लिए रख सकते हो। अभी के लिए मेजर फोकस आपका इंग्लिश एंड आपका क्वांट, ये होना चाहिए, और GK, ठीक है। तो परसेंटेज, रिटेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैब वाले क्वेश्चन, हिस्ट्री फ्रॉम द स्टैटिक GK, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ आपको 1 मंथ का करंट अफेयर्स, 1 to 2 मंथ का करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे करना है। आप टाइम कैसे निकालोगे, आप कैसे पढ़ोगे, वो आपको डिसाइड करना है। मिनिमम 4 to 5 आवर डेली का इतना टाइम आपको देना पड़ेगा प्रिपरेशन को लेकर। इफ़ यू कैन गिव मोर टाइम, 7 to 8 आवर्स, 6 आवर, तो वेल एंड गुड, बट इतना मिनिमम टाइम तो रिक्वायर्ड है अगर इस साल का टेस्ट क्रैक करना है तो, ठीक है। सो GK तो आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करना है, स्टैटिक को लेके आप वीकली बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, ऑल द हैंडआउट्स एंड द वीडियोस ऑफ द GK, बाकी वॉच ऑल द वीडियो लेक्चर फ्रॉम योर ऑनलाइन डैशबोर्ड, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, राइट द टॉपिक टेस्ट, ओके, लर्न द टॉपिक, प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड देन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, दैट इज नथिंग बट द टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका week 1 है। लाइकवाइज अनदर वीक मैथ्स पे भी काम करना है, देन लॉजिक, फिर उसके बाद आपका GK। सो अगेन, लर्न फ्रॉम द वीडियो, प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट, ठीक है। लाइकवाइज ऑल दिस टॉपिक, इंग्लिश का RC आप डेली का 1 से 2 प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो वेल एंड गुड, तो बिकॉज सो डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन हो जा रही है, तो यहाँ पे आप कुछ और टॉपिक भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने आपको 6 वीक तक का प्लानिंग दिया हुआ है, आप उसको स्क्वीज कर सकते हो एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस।
कुछ टॉपिक आपको शायद पहले से कर लिया होगा, आता होगा, कुछ टॉपिक पे आपका कमांड अच्छा होगा, जिस जहाँ जहाँ पे वीकनेस है, जहाँ जिसका वेटेज ज़्यादा एग्जाम में, उस पे काम करो, ठीक है। सो ऑल दिस वीडियो विल बी गेटिंग ऑन दी मेनवर्ड डैशबोर्ड, सो फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड लाइक वाइज योर ऑल दिस टॉपिक। सो काइंडली पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस टाइम टेबल गाइस। और ये टाइम टेबल, अगर आपके पास अपना टाइम टेबल नहीं है, यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल, ठीक है। अगर आपने टेस्ट क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल। और क्रैश कोर्स में जो लेक्चर्स होंगे, तो आपका रिवीजन होगा, मतलब ये सारी वीडियो आपने देख लिया और लेक्चर्स में आए आपने, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया, लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, तो बेसिकली सारे टॉपिक को दो बार प्रिपेयर कर रहे हो। कोशिश यही रहे कि टू टाइम्स सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि सारे डेटा दो बार गो थ्रू करके जाना है, ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट वीक प्रिपरेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कर लेना, बिकॉज यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बाकी पैराग्राफ जंबल, सिलॉग, ब्लड रिलेशन एंड ऑल, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ऑल। डी आई अच्छे से कर लेना, बिकॉज 5 to 6 क्वेश्चन फॉर श्योर यहाँ से आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। सो स्टिल वी कैन चेंज द गेम, वी कैन विन द बैटल, प्रोवाइडेड कितने अच्छे से मेरी प्लानिंग की हुई है मैंने प्रिपरेशन को लेकर, और उसको कितने अच्छे से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड इवेल्युएट कैसे कर रहा हूँ, मॉक लिख के, टेस्ट लिख करके एंड ऑल। एनालिसिस ऑफ द टेस्ट अच्छे से करना, उससे काफ़ी डिसेंट लेवल पे पढ़ाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो बैचेस को लेके यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, अगर आप मुंबई बेस हो, 24 की बैचेस वी हैव लॉन्च, बोरीवली, वसई एंड दादर यू कैन विजिट। एंड यू डू सब्सक्राइब सेपरेट चैनल फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन मेनुअर टेस्ट एंट्रेंस, वेर यू विल बी गेटिंग द टेस्ट स्पेसिफिक वीडियोस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या मेक श्योर वन मॉक बेयर मिनिमम पर वीक तो लिखना चालू कर दो, एक मॉक पर वीक, प्रिपरेशन हुई या नहीं हो डजंट मैटर, बट मॉक लिख के आपको समझ में आएगा कि किस सेक्शन पे मुझे ज़्यादा काम करना है, किस सेक्शन के किस टॉपिक पे मुझे मेहनत नहीं करना या करना है, ये सब चीज़ें आपको समझेगी। स्कोर कम आएगा उसको लेकर डीमोटिवेट मत रहना, बट मॉक को पैरेलली रखो प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।